पूरे देश में मोदी लहर ने विपक्ष को तिनके की तरह उड़ा दिया। यूपी में महागठबंधन को धूल चटाई तो बंगाल में ममता के पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन बंगाल के पड़ोसी ओडिशा में मोदी की आंधी का ज्यादा असर नहीं पड़ा। ओडिशा में नवीन पटनायक का किला ढहाने में मोदी कामयाब नहीं हुए। विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने बीजेपी और कांग्रेस का सफाया कर दिया। ओडिशा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने लगातार पांचवी बार जीत हासिल की है, और पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई राजनेता पांचवी बार मुख्यमंत्री बना हो। राज्यपाल गणेशी लाल ने नवीन पटनायक को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आई नवीन पटनायक डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। ऐसा क्या है कि नवीन पटनायक को ओडिशा की सत्ता में कोई टिका नहीं पाया? देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक, गरीबी और विकास में पिछड़े इस राज्य की बागडोर संभाल रहे नवीन पटनायक में ऐसी क्या खूबी है जिसका जादू करीब दो दशक से जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है? We will have a constructive relationship with the central government for the development and welfare of Odisha. इस बार विधानसभा चुनाव में ओडिशा की 147 में से 146 सीटों पर हुए चुनाव में बीजू जनता दल को 112 सीटें, बीजेपी को 23, कांग्रेस को 9 और अन्य को 2 सीटें मिली। लोकसभा की बात करें तो ओडिशा की 21 सीटों पर इस बार बीजेडी को 12 सीटें मिली और 7 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी को 8 सीटें मिली और 6 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई और उसे 1 सीट का फायदा हुआ। 1997 में नवीन पटनायक जब राजनीति में आए तब उनके पास कोई अनुभव नहीं था। कई लोगों को लग रहा था कि नवीन राजनीति में सफल नहीं होंगे और पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन नवीन पटनायक ने सबको गलत साबित किया। ओडिशा ने इस शख्स को इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया जिसने शुरुआत में अपने जीवन का लंबा समय राज्य से बाहर बिताया। इसमें दो राय नहीं कि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के बेटे होने के नाते उन्हें राजनीति में पैर जमाने में मदद मिली। नवीन बाबू के पिता बीजू पटनायक वायुसेना के पायलट थे, आजादी के आंदोलन में शामिल रहे और फिर उद्योगपति के तौर पर अपने को स्थापित किया और राजनीति में आए तो ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए। बीजू पटनायक दो बार मुख्यमंत्री चुने गए। 1997 में बीजू पटनायक के निधन के बाद ओडिशा की राजनीति में उभरे शून्य को भरने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजू के बेटे नवीन पटनायक को नेता चुना और फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों को दून स्कूल और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई करने वाले नवीन पटनायक की कामयाबी पर शक था। नवीन पटनायक का राजनीति से वास्ता भी नहीं था। कुछ दिन नवीन पटनायक ने दिल्ली के द ओबेरॉय परिसर में साइकी डेली नाम से एक बुटीक भी चलाया। संगीत के शौकीन और जीन्स टी शर्ट में दिखने वाले नवीन पटनायक अपनी मॉडर्न सोच और विचारधारा के साथ राजनीति में आए। नवीन पटनायक पहली बार अस्का से लोकसभा के लिए चुने गए, जो 1997 में उनके पिता के निधन के बाद खाली हुई सीट थी। नवीन पटनायक वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे। 1998 में उन्होंने जनता दल का नाम बदलकर बीजू जनता दल कर दिया। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नवीन पटनायक पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने, और वो भी तब जब नवीन पटनायक को उड़िया भाषा तक नहीं आती थी। फिर भी वो जनता के साथ कनेक्ट बनाने में सफल रहे। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले नवीन पटनायक की लोकप्रियता की वजह रही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, गरीबों के कल्याण के लिए उनकी नीतियां, नौकरशाही का कुशल प्रबंधन और राज्य के विकास को रफ्तार। नवीन पटनायक का सादा और बेदाग जीवन भी लोगों में उनकी लोकप्रियता का कारण रहा है। नवीन पटनायक को जानने वाले बताते हैं कि वो शांत और चुप रहते हैं, लेकिन बहुत ही कुशल राजनेता हैं। इस चुनाव में उन्होंने 7 महिलाओं को टिकट दिया जिसमें से 5 ने जीत हासिल की। 2014 में पूरे देश में जब मोदी लहर चल रही थी तब नवीन पटनायक अपने राज्य में बीजेपी को रोकने में कामयाब रहे थे। इस बार ओडिशा में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नवीन की बीजू जनता दल ने एक बार फिर शानदार जीत हासिल की। पहले एनडीए का हिस्सा रही बीजेडी के रिश्ते बीजेपी के साथ फिर परवान चढ़ते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ नवीन पटनायक की पार्टनरशिप ओडिशा की तस्वीर बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।